नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे लूम के अंदर डोवी लगी होती है या डोवी मैकेनिज्म होता है वो किस तरीके से वर्क करता है और वो कितने प्रकार का होता है। आपकी नेगेटिव डोवी क्या होती है, पॉजिटिव डोवी क्या होती है दोस्तों, सेंटर क्लोज डोवी क्या होती है, बॉटम क्लोज डोवी क्या होती है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक डोवी क्या होती है, मैकेनिकल डोवी क्या होती है। तो दोस्तों आज हम आपके साथ में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके पहले और साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों इसमें मैं आपको डोवी का क्लासिफिकेशन भी बताऊँ कि डोवी को किस तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है डोवी मशीन, ए शेडिंग मोशन मैकेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोवीज। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो डोवी मोशन होती है या जो शेडिंग मोशन मैकेनिज्म होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डोवी इज ए मशीन विच परफॉर्म्स शेडिंग मोशन इन द लूम। दोस्तों ये जो हमारी डोवी मैकेनिज्म होता है वो किसी भी लूम के अंदर शेड फॉर्मेशन का काम करता है। इफ द वीव पैटर्न हैज मोर नंबर ऑफ एंड्स एंड पिक्स इन द वीव रिपीट। दोस्तों जब हम लूम के ऊपर कपड़ा बना रहे होते हैं और जो वीव होती है हमारे कपड़े के अंदर, यदि उसके रिपीट के अंदर, वीव रिपीट के अंदर जो एंड्स और पिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू वीव ऑन द टेपेट लूम। दोस्तों तब हम मजबूर हो जाते हैं और हम उसको टेपेट लूम के ऊपर नहीं बना सकते। डोवी शेडिंग मोशन इज यूज टू वीव दिस काइंड ऑफ वीविंग पैटर्न। दोस्तों इस तरीके के वीविंग पैटर्न को बनाने के लिए हम डोवी शेडिंग मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। एवरी हील शाफ्ट कैन बी रेज्ड एंड लोअर्ड इन डिफरेंट स्टाइल इन डोवी शेडिंग। दोस्तों यदि हम डोवी शेडिंग को यूज करते हैं तो जितने भी हम हील शाफ्ट यूज कर रहे होते हैं अपने फैब्रिक के कपड़े में, उनको अलग अलग पैटर्न में अलग पिक के ऊपर हम अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। नॉर्मली 20 हील शाफ्ट आर यूज्ड मैक्सिमम इन डोवी। दोस्तों ये जो हमारा डोवी मैकेनिज्म होता है उसके अंदर हम 20 हील शाफ्ट तक यूज कर सकते हैं और ये जो 20 हील शाफ्ट होते हैं इनको अलग अलग मोड में अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। बट इन सम डोवीज 28 to 48 जैक लीवर्स आर यूज्ड मैक्सिमम। दोस्तों किसी किसी इंडस्ट्री में कहीं कहीं पर 28 से लेके 48 जैक लीवर तक की डोवी मैक्सिमम यूज की जाती है। स्मॉल मोटिव्स एंड जियोमेट्रिकल वीव्स पैटर्न कैन बी वोवन ऑन डोवी लूम्स। दोस्तों जो हमारी डोवी शेडिंग मैकेनिज्म होता है या डोवी शेडिंग मैकेनिज्म से इक्विप्ड जो लूम होती है उसके ऊपर हम छोटे छोटे मोटिव बना सकते हैं। वो आपके छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी हो सकते हैं। दोज वीव्स पैटर्न विच आर नॉट पॉसिबल टू वीव ऑन टैपेट कैन बी वोवन ऑन डोवी। दोस्तों वो भी पैटर्न्स जो हम टैपेट पे नहीं बना पा रहे होते हैं उनको हम डोवी पे बना सकते हैं। बट ऑल वीव पैटर्न्स टू वोवन ऑन डोवी कैन नॉट बी वोवन ऑन टैपेट पैटर्न। दोस्तों बट जो वीविंग पैटर्न या जो वीविंग डिजाइन या वीव हम डोवी पे बना सकते हैं उन सारे वीवों को हम टैपेट पे नहीं बना सकते हैं। दोस्तों यही आपके टैपेट और डोवी में मेजर डिफरेंस होता है कि हम टैपेट के डिजाइन को डोवी के मैकेनिज्म पे तो बना सकते हैं बट हम डोवी के सारे पैटर्न को टैपेट लूम पे नहीं बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डोवी। तो दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में हमारे लूम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोवी मैकेनिज्म यूज किए जाते हैं और उनके अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डोवी कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिस। दोस्तों हम डोवी मैकेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस्तों पहला होता है अकॉर्डिंग टू शेड क्लोजिंग या शेड लेबलिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा जो डोवी है या जो हमारे हील शाफ्ट हैं वो
किस पोजीशन पे लेवल होते हैं अकॉर्डिंग टू रिवर्सिंग मोशन यूज। दोस्तों अब एक और मैकेनिज्म होता है रिवर्सिंग मोशन, मतलब हमारी जो डॉवी है वो फ्रेम को उठा तो देती है बट नीचे डाउन लाने के लिए हेडशाफ्ट को रिवर्सिंग मोशन यूज करते हैं, तो इस बेस पे भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन मैकेनिज्म यूज। अब दोस्तों ये जो हमारी डॉवी होती है कौन से पिक के ऊपर कौन सा हेडशाफ्ट अप होना कौन सा डाउन होना, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म सिलेक्शन मैकेनिज्म यूज किया जाता है, तो उसके ऊपर भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू लिफ्टिंग एक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ लूम रेवोल्यूशन। दोस्तों जब हमारी लूम चलती है तो उसके साथ में हमारा डॉवी भी घूमता है, एक राउंड में डॉवी के एक राउंड में लूम के कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, तो उस बेस पे भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो बेस है अकॉर्डिंग टू सेट क्लोजिंग पोजिशन ए डॉवी कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरी। दोस्तों जो सेट क्लोजिंग की बेसिस पे हम डॉवी को नीचे दिए गए कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका बॉटम क्लोज डॉवी, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन दिस काइंड ऑफ डॉवी ऑल दी हील शाफ्ट्स रेस्ट ऑन बॉटम पोजीशन। दोस्तों इस तरीके की डॉवी में क्या होता है कि जब हमारे जो फ्रेम होते हैं वो सारे के सारे बॉटम पोजीशन पर रेस्ट करते हैं, ओनली दोज हील शाफ्ट्स आर रेस्ट विच आर नीडेड इन वी पैटर्न एट ए पर्टिकुलर पिक पोजीशन। दोस्तों ये जो हमारी बॉटम क्लोज डॉवी होती है इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ वही हील शाफ्ट्स अप होते हैं इनकी आवश्यकता होती है वी पैटर्न में आफ्टर इंसर्शन ऑफ पिक। दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही हमारा वेफ्ट इंसर्शन खत्म होता है यानी कि हमारा पिक पड़ गया कपड़े के अंदर, ऑल दी रेज्ड हील शाफ्ट कम अगेन एट देयर बॉटम पोजिशन। वेफ्ट का धागा पड़ने के बाद में जब हमारा लूम का रेवोल्यूशन होता है तो फिर से वो सारे के सारे हील शाफ्ट होते हैं वो बॉटम पोजिशन में आ जाते हैं। दस सेट क्लोजिंग टेक प्लेस एट बॉटम पोजिशन ऑफ द सेट लेयर। इस तरीके से क्या होता है कि जो बॉटम क्लोज डॉवी होती है उसमें जो सेट लेवलिंग होती है या सेट क्लोजिंग होती है वो हमेशा बॉटम लेयर ऑफ द सेट पर होती है। अब दोस्तों एक होती है आपकी सेंटर क्लोज डॉवी, तो देखिए दोस्तों सेंटर क्लोज डॉवी क्या होती है। इन दिस काइंड ऑफ डॉवी द सेट क्लोजिंग टेक्स प्लेस एट द मिडल ऑफ द सेट। दोस्तों सेंटर क्लोज डॉवी में जो हमारी सेट की लेवलिंग होती है या सेट की क्लोजिंग होती है वो मिडिल ऑफ द सेट होती है। व्हेन द सम हील शाफ्ट स्टार्ट टू रेज एंड सम हील शाफ्ट स्टार्ट टू लोअर एट ए पर्टिकुलर पिक पोजिशन इन द बी पैटर्न। दोस्तों क्या होता है कि हमारे बी पैटर्न में किसी भी पर्टिकुलर पिक के ऊपर कुछ हील शाफ्ट जो होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं और कुछ हील शाफ्ट होते हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। दे क्रॉस टू वन अदर एट द सेंटर पोजिशन ऑफ द सेट। दोस्तों सेंटर क्लोज डॉवी में क्या होता है कि जब फ्रेम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो वो मिडिल ऑफ द सेट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब दोस्तों एक कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू रिवर्सिंग मोशन यूज। हमारी जो लूम होती है उसके अंदर जब फ्रेम ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता है ऊपर तो डॉवी ले जाती है और नीचे आने के लिए हम एक रिवर्सिंग मोशन यूज करते हैं, बट क्या होता है कि आज के जो मॉडर्न डॉवी आ रहे हैं उसमें रिवर्सिंग मोशन यूज भी नहीं करी जाती है। तो इस बेस पे हम जो अपनी डॉवी मैकेनिज्म को बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस बेस के ऊपर हम डॉवी को दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला होता है नेगेटिव डॉवी, तो नेगेटिव डॉवी में क्या होता है द डॉवी विच इज नॉट एबल टू bring down the hill shaft itself is called negative dovey। दोस्तों इस तरीके की डोवी जो ऊपर गए हुए hill shaft को अपने mechanism के द्वारा lower position में लाने में कामयाब नहीं होती है या वो lower position में hill shaft को नहीं ला पाती है, इस तरीके की डोवी को हम बोलते हैं negative dovey। This dovey lifts the hill shaft only। दोस्तों इस तरीके की जो डोवी होती है नेगेटिव डोवी होती है वो हिल शाफ्ट को अप तो कर देती है रेज तो कर देती है। द एक्स्ट्रा अटैचमेंट इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द हिल शाफ्ट।
दोस्तों हिल्सा को जो रेज हो गया था उसको डाउन लाने के लिए या लोअर पोजीशन में लाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड रिवर्सिंग मोशन। इस तरीके के अटैचमेंट को हम रिवर्सिंग मोशन कहते हैं। डेड वेट और पुलिंग स्प्रिंग इज यूज टू ब्रिंग डाउन द शाफ्ट। दोस्तों ये जो हिल शाफ्ट हमारी ऊपर चली गई, अब आपकी चूंकि डॉबी नेगेटिव है वो नीचे नहीं ला सकती है, तो इसके लिए या तो हम रिवर्सिंग मोशन के रूप में डेड वेट का प्रयोग करते हैं, मतलब हम अपने हिल शाफ्ट के नीचे डेड वेट लटका देते हैं जो हिल शाफ्ट को डाउन लाने में मदद करते हैं, या हम पुलिंग स्प्रिंग अटैच कर देते हैं प्रत्येक हिल शाफ्ट से, तो जैसे ही हमारा हिल शाफ्ट ऊपर गया और हमारा लूम का टर्न होता है तो वो हिल शाफ्ट होती है वो स्प्रिंग की सहायता से डाउन आ जाती है। इन दिस डॉबी ऑल द रेज्ड हिल शाफ्ट आर लेवल्ड आफ्टर इंसर्शन ऑफ ईच पिक। दोस्तों ये जो हमारी नेगेटिव डॉबी होती है इसमें क्या होता है कि आफ्टर इंसर्शन ऑफ ईच पिक, मतलब प्रत्येक पिक को इंसर्ट करने के बाद में हमारे जो हिल शाफ्ट होते हैं वो एक दूसरे के लेवल में आ जाते हैं। अब दोस्तों देखिए पॉजिटिव डॉबी, पॉजिटिव डॉबी क्या होती है। इन दिस काइंड ऑफ डॉबी ओनली दोज हील्ड शाफ्ट्स आर कम एट सेट लेवलिंग पोजीशन व्हिच चेंज देयर पोजीशन एट पर्टिकुलर पिक। दोस्तों जो हमारी पॉजिटिव डॉबी होती है तो उसमें क्या होता है कि जब हमारा सेट लेवल हो रहा होता है तो सिर्फ वही फ्रेम हमारे सेट क्रॉसिंग पोजीशन पे या सेट लेवलिंग पोजीशन पे आते हैं जो अपनी पोजीशन बदल रहे होते हैं। हील्ड शाफ्ट्स आर रेज्ड एंड लोअर्ड बाय इट्स इंटरनल मैकेनिज्म। दोस्तों जो हील्ड शाफ्ट्स होते हैं उनकी जो रेजिंग और लोअरिंग मोशन होती है या अप एंड डाउन करने का जो पोजीशन होती है वो डॉबी के इंटरनल मैकेनिज्म से परफॉर्म की जाती है। देयर इज नो नीड ऑफ रिवर्सिंग मोशन अटैचमेंट टू ब्रिंग डाउन द हील शाफ्ट। दोस्तों हमारे पॉजिटिव डॉबी के अंदर क्या होता है कि रिवर्सिंग मोशन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारा डॉबी का डिजाइन इस तरीके से होता है कि डॉबी का मैकेनिज्म खुद ही फ्रेम को अप भी ले जाता है और डाउन भी ले आता है। इन दिस टाइप ऑफ डॉबी द हील शाफ्ट्स रिमेन इन रेस्ट पोजिशन एट टॉप और बॉटम पोजिशन अंटिल द वी पैटर्न डज नॉट डिमांड टू चेंज द पोजिशन ऑफ द हील शाफ्ट। दोस्तों पॉजिटिव डॉबी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे हील शाफ्ट होते हैं, सपोज करिए कुछ हील शाफ्ट ऊपर थे मतलब अप पोजिशन में थे और कुछ हील शाफ्ट डाउन पोजिशन में थे, वो जब तक अपनी पोजिशन चेंज नहीं करते हैं जब तक कि हमारे वी पैटर्न की डिमांड नहीं होती है, मतलब अगर आप चाहोगे तभी वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और नहीं तो वो यदि टॉप पोजीशन में है तो टॉप में बना रहेगा और बॉटम पोजीशन में है तो बॉटम पोजीशन में बना रहेगा। अब दोस्तों देखिए जो हमारी पॉजिटिव डॉबी होती है उसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव डॉबी फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दोस्तों एक होती है आपकी सेमी पॉजिटिव डॉबी, तो इसमें क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ डॉबी those heel shafts which need to become in rest position at top as per beep pattern come slightly down and lift again। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी semi positive डॉबी होती है तो उसके अंदर जो हमारे जो heel shaft होते हैं वो up position में जो होते हैं और यदि वो next pick के ऊपर भी up है तो उसमें क्या होता है कि जो हिल शाफ्ट अप था वो थोड़ा सा स्लाइटली डाउन आता है और फिर तुरंत के तुरंत स्लाइटली डाउन आता है और तुरंत के तुरंत अप हो जाता है। दिस काइंड ऑफ डॉबी इज नोन एज सेमी पॉजिटिव डॉबी। तो इस तरीके की डॉबी को हम बोलते हैं सेमी पॉजिटिव डॉबी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये होती है आपकी फुल्ली पॉजिटिव डॉबी। तो इसमें क्या होता है इन दिस काइंड ऑफ डॉबी द हील्ड शाफ्ट्स रिमेन एट देयर कंप्लीट रेस्ट position until the weep pattern does not require to change the position of heel shaft। दोस्तों ये जो हमारी fully positive डॉबी होती है इसके अंदर क्या होता है कि जब तक हमारा weep pattern
डिमांड नहीं करता है, तो जो हमारा फ्रेम टॉप में होता है, जो हमारा हिल शाफ्ट अप पोजीशन में होता है या जो हमारा हिल शाफ्ट बॉटम पोजीशन में होता है, तो वो अपनी पोजीशन में ही बने रहते हैं, वो बिल्कुल भी ना तो नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। अब दोस्तों अगला बेस आता है डॉबी को क्लासिफाई करने का, वो होता है अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन मैकेनिज्म यूज्ड। किस तरीके से हम डॉबी को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन मैकेनिज्म के अनुसार? यहाँ पर देखिए, मैकेनिकल डॉबी, इन दिस काइंड ऑफ डॉबी द सिलेक्शन ऑफ रेजिंग एंड लोअरिंग इज परफॉर्म मैकेनिकली। दोस्तों ये जो हमारी मैकेनिकल डॉबी होती है, इसके अंदर जो हमारा सिलेक्शन होता है अप एंड डाउन मूवमेंट देने का हिल शाफ्ट को, वो मैकेनिकली होता है। इसको भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला होता है पैग एंड लैटिस टाइप सिलेक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस काइंड ऑफ डॉबी वुडन पैग्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट लिफ्टिंग प्लान ऑफ द डॉबी। दोस्तों इस तरीके के हम सिलेक्शन मैकेनिज्म के अंदर लकड़ी के पैग इस्तेमाल करते हैं। द वुडन पैग्स आर फिटेड ऑन द लैटिस अकॉर्डिंग टू द वीक बटन। दोस्तों एक हम लकड़ी की लैटिस यूज करते हैं, तो लैटिस के ऊपर हम लकड़ी के पैग लगाते हैं, तो पैग इस तरीके से लगाते हैं कि जहां पर भी आपको फ्रेम या हिल शाफ्ट अप चाहिए वहां पर लकड़ी का एक पैग ठोक देते हैं, तो वीक पैटर्न के अनुसार ही हम पैग लगाते हैं। दोस्तों अब दूसरा होता है सिलेक्शन थ्रू पंच्ड प्लास्टिक पेपर। दोस्तों जो हमारी दूसरे जनरेशन की डॉबी आई, जो उसके अंदर जो सिलेक्शन मैकेनिज्म था उसको चेंज किया गया, तो उसके अंदर लैटिस की जगह पे हम एक पंच्ड पेपर कार्ड लगाने लग गए। तो देखिए दोस्तों, ए प्लास्टिक पेपर इज यूज टू सिलेक्ट लिफ्टिंग पैटर्न इन दिस काइंड ऑफ डॉबी। इस तरीके की डॉबी के अंदर हम लैटिस और पैक की जगह पर एक प्लास्टिक कार्ड का यूज करते हैं। दिस पेपर इज पंच्ड अकॉर्डिंग टू लिफ्टिंग प्लान। दोस्तों ये जो हमारा प्लास्टिक पेपर होता है, इसको हम लिफ्टिंग प्लान के अनुसार पंचिंग करते हैं। ए होल इन द कार्ड डिनोट्स दैट द पर्टिकुलर हिल शाफ्ट विल रेस्ट एट प्री डिफाइंड पिक। यदि हम कार्ड में जहाँ पर भी पंच करते हैं या होल बना देते हैं, तो वो हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पिक के ऊपर जहाँ पे होल है, तो वहाँ पे आपका हिल शाफ्ट अप हो जाएगा। ब्लैंक पोर्शन मींस द हिल शाफ्ट विल लोअर्ड। और यदि हमने उस पर्टिकुलर पिक के ऊपर कहीं पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है, तो वहाँ पे आपका हिल शाफ्ट डाउन हो जाएगा। अब दोस्तों जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें जो हमारा डॉबी मैकेनिज्म है बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, बहुत यूजर फ्रेंडली हो गया है और बहुत विश्वसनीय हो गया है। तो एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉबी। दोस्तों देखिए इसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डॉबी होती है, सिलेक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। इन दिस काइंड ऑफ डॉबी द सिलेक्शन ऑफ लिफ्टिंग प्लान इज सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। दोस्तों जो हमारा हिल शाफ्ट की लिफ्टिंग और लोअरिंग होती है, उनका सिलेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ए इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज टू परफॉर्म लिफ्टिंग प्लान। दोस्तों एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज की जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट शाफ्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, तो वो ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इनर्जाइज्ड एंड डी इनर्जाइज्ड ऑटोमेटिकली एज पर लिफ्टिंग प्लान फीड इनटू कंट्रोल कंप्यूटर। दोस्तों हमारे लूम के अंदर एक कंट्रोल कंप्यूटर लगा होता है, और उसके अंदर हम लिफ्टिंग प्लान को डिजिटली फीड कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपकी मशीन चलती है, तो हमारे लिफ्टिंग प्लान के अनुसार ही हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो इनर्जाइज होती है, डी इनर्जाइज होती है, और उसी के अनुसार आपके जो हिल शाफ्ट होते हैं वो अप मूवमेंट करते हैं या डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है। अब दोस्तों अगला वेस होता है डॉबी मैकेनिज्म को क्लासिफाई करने का, वो होता है अकॉर्डिंग टू लिफ्टिंग एक्शन इन रेस्पेक्ट टू लूम्स रेवोल्यूशन। मतलब कि हमारा जो लूम का रेवोल्यूशन होता है, तो उसके अनुसार जो हमारी डॉबी की लिफ्टिंग है वो किस तरीके से हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ये जो लिफ्टिंग के अनुसार
जो लिफ्टिंग एक्शन होता है उसके अनुसार अपने डॉबी को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सिंगल एक्टिंग डॉबी, दोस्तों इसमें क्या होता है, इट रन्स एट सेम रेवोल्यूशन इक्वल टू लूम। दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी सिंगल एक्टिंग डॉबी होती है तो इसमें जितने रेवोल्यूशन हमारे लूम के होते हैं उतने रेवोल्यूशन हमारे डॉबी के भी होते हैं। वन लिफ्टिंग साइकिल कंप्लीट इन वन कंप्लीट राउंड ऑफ डॉबी, दोस्तों जो हमारा लिफ्टिंग का जो साइकिल पूरा होता है तो वो एक रेवोल्यूशन ऑफ डॉबी, तो वो लूम के एक रेवोल्यूशन के कंप्लीट होने पे होता है। दोस्तों एक होती है डबल एक्टिंग डॉबी, तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ डॉबी द रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ डॉबी इज जस्ट हाफ ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ लूम। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारी लूम होती है जितने उसके रेवोल्यूशन होते हैं उसके हाफ रेवोल्यूशन डॉबी के होते हैं। मतलब जब वन कंप्लीट लिफ्टिंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन हाफ रेवोल्यूशन ऑफ डॉबी, दोस्तों जो हमारी लूम में क्या होता है कि एक लिफ्टिंग साइकिल जब कंप्लीट होती है तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो डॉबी होती है सिर्फ हाफ राउंड ही लेती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू माउंटिंग पोजिशन ऑफ द डॉबी, ये भी एक बेस होता है कि हमारी डॉबी कहाँ पे माउंट है तो उसके अनुसार ही हम अपनी डॉबी को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला होता है टॉप माउंटेड डॉबी, मतलब लूम के ऊपर डॉबी टॉप में माउंट होती है तो टॉप माउंटेड डॉबी कहलाती है। और एक होती है सेमी टॉप माउंटेड डॉबी, मतलब वो क्या होता है कि ना तो ऊपर माउंट होती है ना ही साइड में माउंट होती है, तो साइड से कुछ ऊपर माउंट होती है इसलिए उसको सेमी टॉप माउंटेड डॉबी बोलते हैं। दोस्तों एक होती है आपकी राइट हैंड माउंटेड डॉबी, जब हमारी डॉबी लूम के राइट में लगी हो तो राइट हैंड माउंटेड डॉबी हो जाती है। और एक होती है आपकी लेफ्ट हैंड माउंटेड डॉबी, मतलब हमारी जब डॉबी लूम के लेफ्ट हैंड में माउंट होती है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड माउंटेड डॉबी। तो दोस्तों हमने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है डॉबी मैकेनिज्म के बारे में, उसके सिलेक्शन मैकेनिज्म के बारे में, उसके रिवर्सिंग मैकेनिज्म के बारे में, उसके लिफ्टिंग एक्शन के बारे में। तो दोस्तों देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, और यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। धन्यवाद।